हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ माय वीडियोस आर इंफॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज का टॉपिक है विश्व डाक दिवस पर हिंदी निबंध। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सन 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस द्वारा इस दिन को विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। यह दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सन 1969 में हुई थी। उसी साल पहला विश्व डाक दिवस मनाया गया था। भारत में डाक सेवाओं का इतिहास बहुत पुराना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डाक सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित करना होता है। इस दिवस पर लोगों में डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिवस पर ग्राहकों को डाक विभाग के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघर के बीच सामंजस्य को स्थापित करना होता है। डाक सेवा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं, जैसे स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, मुख्य दस्तावेज आदि। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो केवल डाकघर में ही उपलब्ध होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को विश्व डाक दिवस की महत्वता के बारे में बताने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस दिवस पर डाक विभाग ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार की स्कीमें भी लागू करती हैं। इस दिवस पर डाक विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनकी दी गई सेवाओं के लिए इनाम भी दिया जाता है। डाक सेवाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विश्व डाक दिवस मनाकर लोगों को डाक सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।